बचा, कब 5 दिन गुजर गए पता ही नहीं लगा। आओ आज की चर्चा शुरू करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बभुए, इनके पद वंदन किए ना सदबीन हने। भक्तमाल सदग्रंथ चार लोगों का बताया है, किसका? भक्त का, भक्ति का, भगवंत का और गुरु का। कहने में तो चारों अलग अलग हैं, पर दिखाई देने में चारों अलग अलग हैं, पर मूल रूप से चारों एक ही हैं। हाँ, भक्त में, भक्ति में, भगवंत में, गुरु में किंचित मात्र भी अंतर नहीं, लेस मात्र भी अंतर नहीं। भक्त जो भगवान का होता है उसमें भगवान जैसे गुण, भगवान जैसा स्वभाव, भगवान जैसी आभा दिखाई पड़ने लगती है। हम एक दिल्ली का बाकिया बहुत बार बताते हैं। दिल्ली में एक पुजारी हुए श्री हनुमान मंदिर के, श्री सुदर्शन आचार्य जी महाराज, दिल्ली के पास। उनका नाम था श्री सुदर्शन आचार्य जी महाराज। बचपन काल से श्री हनुमान जी की भक्ति करते रहे, तो अभी कुछ दिन पहले ही उनका शरीर शांत हुआ। हमारे दादा गुरु जी बताते थे कि श्री हनुमान जी की भक्ति करने के कारण उनका मुख बंदरों जैसा हो गया था। हाँ, और बंदरों तो मुख जैसा हुआ सो तो ठीक है, केला फल वो कुछ भी खाते थे तो छीलते नहीं थे, बंदरों जैसे तीन तीन केला अमरूद अपने गले में यहां भर लेते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। सत्य घटना बता रहे हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है उसका रूप, उसका चरित्र, उसकी वाणी भूत प्रेतों जैसी हो जाती है, और जो भगवान की, ठाकुर जी की पूजा करता है उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी वाणी भगवान के जैसी ही दिखाई पड़ने लगती। इसमें इतना भी संदेह नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो पहला भक्त वही जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। भक्त भगवान को जानने का प्रयत्न करता मेरे पागलो, तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करते कि किसी ना किसी रूप में उनको दर्शन दे करके कृतार्थ कर देते हैं। ये भक्त की बात। अब भक्ति कैसी होनी चाहिए जरा सुनिए। भक्त भक्ति भगवंत हो भैया, देखो भक्त होना चाहिए गोपियों जैसा। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अरे भक्ति होनी चाहिए मीरा जैसी, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। भक्त ऐसा हो, भक्ति ऐसी हो। आहा, भक्त भक्ति भगवंत, ये तीसरा कौन है? ये तीसरे हैं भगवान। अब भगवान कैसे होने चाहिए? भगवान होने चाहिए हमारे ठाकुर जी जैसे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे, बड़े बड़े अमलादिक देवता, अर्मादिक देवता, बड़े बड़े त्रिपुरारी महेश, इंद्रादि देव, वरुण देव, पवन,
बड़े बड़े देवता जिन ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए परेशान रहते हैं, दिन रात हैरान रहते हैं, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान ऐसे होने चाहिए, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। हमारे ठाकुर जी ब्रजमंडल ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन में ब्रजांगनाओं के समीपस्थ जाकर के ब्रजांगनाओं के खेल में पड़कर हमारे ठाकुर जी थोड़े से छाछ मक्खन को खाने के लिए गोपियों के सामने ठुमका लगाते हैं। गोपियां कहती हैं मक्खन ऐसे नहीं मिलेगा, पहले नच के बताओ। भगवान एक हाथ कमर पर रख दे, एक हाथ सिर पे ठुमका लगाने, अब ठीक है गोपी अब तो दे दे, नहीं नहीं दो और लगाओ। हे भगवान, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, अरे कैसे हैं हमारे ठाकुर जी, बड़े दयालु हैं। भगवान से किसी ने पूछा, आप अवतार क्यों लेते? रावण का वध करने के लिए या कंस को मारने के लिए? भगवान बोले नहीं, राम जी कहते ना हम अवतार कंस का वध करने के लिए लेते, ना रावण का वध करने के लिए लेते। राम जी कहते हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार लेते हैं। भक्तों के दर्शन के लिए? हाँ, अरे भक्त तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। राम जी कहते हैं जितना भक्त हमें पाने के लिए ललायत रहता, उससे 10 गुना ज्यादा हम भक्तों के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। तो ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर जावे। ये हमारे भगवान है, ये हमारे ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी की और क्या सुना दे, हमारा चंगीला भोपाल का हमारा चेला चंगीला। आहा, जरा पीछे से बड़ा शोर आ रहा, हमें विक्षिप्तता हो रही, आप रुकिए सालिग्राम, जरा अवस्थी जी जाइए, बड़ा विघ्न पड़ रहा है इन लोगों के कारण, शोर से हमें विघ्न पड़ता है, एक तो बड़ी मुश्किल से हमारा फ्लो बनता है। हाँ, ऊपर से ये कुछ प्रकट हो जाते हैं महापुरुष, बोलो श्री राम जय राम। हमारा एक चेला है चंगीला, भोपाल में रहता है। कहाँ रहता है? भोपाल में, भोपाल में रहता है। एक बार चंगीलाल से, चंगीलाल के गुरु टिल्लू गुरु, चंगीलाल से चंगीलाल के गुरु टिल्लू गुरु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमजोर हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे भगवान के पास जब इतनी शक्तियां हैं, इतने गण हैं, इतनी सेना है, इतने सेवक हैं, तो जब गजराज यानी गज यानी हाथी, जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, तो तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों दौड़े आए? हमें लगता तुम्हारे भगवान के पास ज्यादा ताकत ताकत नहीं है, कम बलवान है, लो क्वालिटी है, बड़ी क्वालिटी नहीं है, वरना भगवान तो वहीं से बैठे बैठे मगरमच्छ का वध कर देते, भगवान तो भगवान होते हैं। चंगीलाल ने कहा बात बहुत अच्छी। चंगीलाल बोला सरकार बुरा ना माने तो इसका जवाब हम अभी नहीं बाद में दें, काम चलेगा। हाँ हाँ बाद में दीजिए। आहा, चंगीलाल ने एक उपाय किया। एक दिन टिल्लू गुरु और चंगीलाल दोनों घूम रहे थे तालाब के किनारे, तो चंगीलाल ने एक प्रायोजित रचना से
टिल्लू गुरु के एक बालक के जैसा पुतला बनाया, पुत्र जैसा। टिल्लू गुरु था बहुत बड़ा बादशाह राजा, सेना उसके आसपास चलती थी। उसने वो पुतला लिया और चंगीलाल ने उस टिल्लू गुरु के पुतला, पुत्र जैसा दिखने वाला, टिल्लू गुरु के पुत्र जैसा दिखने वाले उस पुतले को पानी में फेंक दिया। आ हा हा, टिल्लू गुरु ने देखा कि किसी ने हमारे बेटे को पानी में फेंक दिया, तो टिल्लू गुरु ने आओ देखा ना ताओ डुबुक लगा करके कूद गए पानी में। बाद में जब पुतला बाहर निकाला तो वो मोम का निकला। चंगीलाल हंसने लगा, कहो गुरु जी जवाब मिल गया। टिल्लू गुरु बोले मतलब? चंगीलाल बोले जिस प्रकार आपके पास सैनिक हैं, आपके पास बल है, आपने सेना को बचाने के लिए नहीं भेजा, स्वयं कूद गए अपने बालक को बचाने के लिए, उसी प्रकार हमारे भगवान भी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो स्वयं दौड़े चले आते हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए। अब भक्त हो गया, भक्ति हो गई, भगवंत। अब ये गुरु जी कौन है? गुरु नाम बड़ा अच्छा है। गुरु देखो, हम बहुत एक चार दो तीन दिन पहले हमने तुम्हें एक बात सिखाई थी, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। गुरु वो है जिससे गुण मिल जाए। गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु हैं, गुरु शिव हैं, और बुरा ना माने तो गुरु धरती के तीनों देवता है। मेरे पागलो, भगवान रूठ जाएं तो गुरु मना लेंगे, तुमसे अगर भगवान रूठ जाएं तो तुम